बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक स्टॉक लाया हूं और वो है भागीरथा केमिकल्स। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, मैंने 30 नवंबर 2021 को भी ये स्टॉक रेकमेंड किया था और उसके बाद ये टारगेट्स आराम से अचीव किया था। और क्योंकि ये देखिए एग्री केमिकल स्पेस से है और एक टेक्नोक्रेट्स ने इसको प्रमोट किया और हाई क्वालिटी पेस्टिसाइड कंपनी बनाती है। जो इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो काफी मंझे हुए हैं, पहले भी वो नागार्जुन फर्टिलाइजर्स के थे मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर मिस्टर एस एस चंद्रशेखर है वो भी केमिकल इंजीनियर है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जो प्रमोटर्स और जो मैनेजमेंट है उनका, तो इसलिए मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और फंडामेंटल्स तो देखिए गजब होने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये सेगमेंट ही बहुत बढ़िया है। और इनके जो प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो ये सारे इंसेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स और फंजीसाइड्स और ये सब बनाते हैं। और एक IICT बोल के हैदराबाद में इंस्टीट्यूट फॉर्मर साइंटिस्ट रहे हुए हैं जो प्रमोटर मतलब जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इसके, कंपनी के फाउंडर थे एस कोटेश्वर राव। तो इस तरीके की पेडिग्री इस कंपनी की है तो इसलिए और मुझे कॉन्फिडेंस आता है। और अब आप देखिए 25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर रही है 105% की। चलिए अब वापस से हम आते हैं 7 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 46%, 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 25%। तो इस तरीके से कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करते हुए आ रही है और स्ट्रॉन्ग ओपीएम्स पे कंपनी काम करती है, 15% का कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रही है। मार्च 2021 में 7 करोड़ का पैट था, उसके सामने मार्च 2022 में 11 करोड़ का पैट है। तो हमेशा ये 7 करोड़ 8 करोड़ कमाती थी, इस बार पहली बार डबल डिजिट में ये कंपनी कमाई है। तो 36 करोड़ का पैट रहा है कंपनी का पिछले 1 साल में और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। और प्रोमोटर्स और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो वहां पे भी काफी कॉन्फिडेंस आता है। FIIs भी कुछ होल्ड करते हैं और DIIs और ये सब के अलावा जो अगर आप इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग देखें पब्लिक शेयर होल्डिंग तो उसमें भी कुछ रिनाउंड नेम्स इंक्लूडेड है, तो इसलिए और कॉन्फिडेंस आता है। और सेगमेंट अच्छा, कंपनी अच्छी, पेडिग्री अच्छी और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया है पिछले कई दिनों से अपने इन लेवल्स पे, ये एवरेजेस के भी ऊपर है तो टेक्निकली भी बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगती नहीं है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए, एक छोटा टारगेट दूंगा 1050 का।